हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो पुनीत ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसे कि आज है सैटरडे 25 तारीख। तो आज मम्मी ने उठा दिया हमें जल्दी। उठना तो वैसे हमें लेट चाहिए क्योंकि हम लेट सोते हैं, तो लेट ही उठना चाहिए ना 12 बजे तक। लेकिन मम्मी ने उठा दिया आज 8 बजे, क्योंकि आज जो गुन्नू की मासी है जो मुंबई रहती है, वो और गुन्नू की पूरी फैमिली आज हमारे घर आ रहे हैं खाने पे। तो मम्मी कह रही चलो उठ जाओ, काम पे लग जाओ भाई फटाफट। और जो हमारे सर्दी के कपड़े वो मम्मी कह रही वो रखो और गर्मी के निकालो, क्योंकि गर्मी आ गई भाई साहब। और ये सारे मेरे कपड़े हैं भाई, मैं अपने कपड़े आराम से अपने रखता हूँ सारे जचा जचा के। बाकी कुछ कपड़े ये रहे, बाकी इसमें थोड़े फ़ोन वोन का सामान वामान है, बाकी और भी बहुत सारा सामान है। अभी देखो मम्मी भी लगी पड़ी है अपने कपड़े जचाने में, और दीदी भी लगी पड़ी है। बाकी आज खाना बनाने वाले भाई साहब, पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन कुछ ज़बरदस्त बनने में सुनने में आया है, कुछ ज़बरदस्त बनेगा। कोई आ रहा है तो यार ज़बरदस्ती बनेगा ना। तो गाइस नींद आ रही है मेरे को, तो सो जाओ मम्मी थोड़ी देर। पहले बताओ कौन से कान पे खाएगा? देख रहे गाइस, क्या आप लोगों की मम्मी भी आपको ऐसी कहती तो कमेंट करके जरूर बताना। गाइस ये देखो तैयारी स्टार्ट हो गई है, सब न्यू बेडशीट वगैरह, न्यू सोफे कवर। बाकी हमारा घर अभी इतना फैला हुआ, अभी थोड़ी देर में देखना जन्नत बनागी मेरी जिंदगी। देख रहे हो गाइस कितना सब फैल रखा है, अभी सब तैयार हो जाएगा। अब तुम लोग भी ब्लॉग में आओगे, ऐसे करो यो। पूरी तैयारी हो गई है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक बार। ये देखिए सब कुछ तैयार हो गया है, सब कुछ पहले कैसे बिखरा हुआ था सब कुछ सारा सामान, अब एकदम पूरा बढ़िया तरीके से सब कुछ। और खाना पीना भी बन ही गया, खाना वाना सब बन गया और हो गया। बस मैं जाऊंगा अब थोड़ी देर में नहाने, और मम्मी गई अभी मासी के, मासी ने बुलाया था, और दीदी गई है अभी किसी काम से। तो बस मैं चलता हूँ नहाने, नहा के मिलते हैं आप लोगों से। और अभी तो गुन्नू का ही फ़ोन आया था कि कह रही अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो सब कुछ और तैयार हो जाएगा, तो मिलते हैं गाइस नहाने के बाद। तुम्हारा भाई भी नहा धो के हो गया तैयार एकदम परफेक्ट, और मम्मी भी आ गई, मम्मी भी हो गई तैयार। मम्मी पता नहीं कहाँ बातों में लगी पड़ी है, और बाकी गुन्नू का भी कॉल आया था कि हम लोग निकल गए हैं। तो बस करते हैं बस स्टार्ट, बाकी थोड़ा बहुत काम है वो तो हो ही जाएगा यार। गाने चल रहे हैं और यहाँ गुन्नू और की एंट्री होते हुए टेडिंग टेडिंग। चिप्स मेरे लिए लाया है? ला फिर। अबे मेरे लिए नहीं लाया? क्यों नहीं लाया चिप्स दे पहले मेरी। अबे ये भाई की जींस फटी फटी। हेलो, नमस्ते बेटे, मम्मी नहीं आई, कल तक चढ़ के आई जाएगी। तेरे को मैंने मना किया था प्लीज मत आई, उसके बाद भी तू आ गई, क्यों तन्नू क्यों? कह दे मेरे को आंटी ने बुलाया। वाओ गुन्नू तेरी मूछे कितनी अच्छी लग रही है, हाय फाय। मेहंदी लगा कर आई है? अच्छा पहले की है। चढ़ती रहा ऊपर। वाह मूछे। आंटी मम्मी अभी और देर तक आएगी, थोड़ा लिफ्ट लगवा लूंगा। गाइस सब लोग आंटी का वेट करते हुए। अच्छा तो वहाँ कहीं नीचे कमला है, नीचे का ग्राउंड फ्लोर का आपको आशीर्वाद। ऊपर सही है, थोड़े पतले हो जाओगे। लवरा सीढ़ियां टूटती जाए। और कुछ तो नहीं है?
तो गाइस आती बिचारी काम कर रही है, कोल्ड ड्रिंक सर्व करके दे रही है सबको। गाइस ये पुलिस बहुत बोलता है, इसका क्या करा जाए? और तो बहुत कम बोलती जैसे। ओ ओ ओ कलाकार इसने ब्लैक करी। मत कर यार इशू, मत कर इरिटेट। तन्नू पे गया क्या? बिल्कुल डाल डाल डाल, बाकी सब बैठे हुए। गाइस दे सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दे यार, बैठी हुई है इधर, ढक्कन बाद में बंद हो जाएगा, मंद बुद्धि। गैस गैस, ये देख गाइस से प्लेट नहीं संभल रही, नाखून भी ऐसे हो रहा है। तो नाखून क्यों लगवाया तूने फिर? दीदी से दीदी वाली की चन्ना तेरे को देसी खिला दूंगी। हां हां फिर दूसरी वाली की तो मैं तेरे को पता, तुम्हारी को देखो को देखने को मिलेगा। चोर ये नहीं नहीं, वो नहीं है, नमकीन जो रख दिया पहले छुपा दी होगी ना आपने। हां ये ब्लैक वाली। और कुछ और नहीं दिखा? कुछ और। अच्छा हां दिखा दिखा। अरे वाह, अलमारी के अंदर कैद करके रखा है तूने मुझे। आपको आइए, टाइट रहेगी नहीं? मैडम देखो कितनी जल्दी आई है। अब आइए, इतनी लेट। आप आए हो हमारे घर में, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन गोभी का फूल। नंबर एक कॉफी मैंने बनाई है, इधर देख के बात कर रही है। मैंने देखा दीदी इतना भी झूठ। अब गाइस का ये कॉफी बनाई किसने, सच सच बता दो। मैंने तू तो अभी अभी आई है। मैंने बनाई है, मैंने और आपने ही बनाई है। सच नहीं बोल सकते, मेरी नूना बना के आई है अभी। ये भी सही है। और यहाँ पे चल रही है, देखो क्या आ गया। गाइस ऐसे लग रहा है नूना का, जैसे यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, जगह जगह कैमरे चल रहे हैं। हाय, एक काम करो, अपना अपना कैमरा यहाँ फिट कर दो, बनती रहेगी। चालू हो गया। तो गाइस हम कर रहे हैं काम, सैलेड वैलेड काट रहे हैं। गाइस मैंने खीरे काटे हैं, और गाइस मैंने खीरे भी काटे हैं। खीरे हम दोनों ने ही काटे हैं, बस अभी ये गाजर अकेले काट रहा है। और गाइस हम दोनों ही काम कर रहे हैं बस। रेखा दीदी भी हेल्प कर रही है हमारी, पर ना नूना की थोड़ी तबीयत खराब है, नूना बहुत चिड़चिड़ कर रही है, तो दीदी के पास जा रही है वो बस, तो अभी दीदी उसको लेने नहीं है। टाइम हो गया खाने का, तो मैं लेने आया हूँ बटर नान और दाल मखनी, क्योंकि कोई वेज होगा तो मम्मी भी वेज है वैसे तो दाल मखनी खा लेगा। और बटर नान और लच्छा लगवाया मैंने, लच्छा पराठा और बटर नान, है ना। बाकी चलते फिर घर, घर अपना सामान लेके। बाकी खाने में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये है बिरयानी और ये है चिकन और ये हमारी सैलेड और ये बिरयानी की, ये बिरयानी की चटनी और ये हमारा रायता। इतना यम्मी लग रहा है और सारा खा जाऊँ मैं तो। और वो देखो बिहारन क्या कर रही है। और रुक जा रुक जा, इसके लिए ले ले। ले मना पांच को दे दो। ले 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 ले, वो दीवारें देख रही है। नया नया घर लग रहा है। गलती से भी नहीं वो ये क्या कर रहा है अपनी वीडियो बना रहा है। तू रो कंटिन्यू रो, लड़के को बुला के हंस रही है। मारते छोटे भाई को, आज तक मैंने अपने भाई को छोटे को मारा नहीं है। पिटवाती हूं बल्कि सुपाले रहती हूं घर में उसकी, खुद से कभी नहीं मारती, खुद का हाथ गंदा ही करती है। भाई को मारेगी, कल को तेरी शादी हो जाएगी, तेरा भाई आएगा। माफी मांग उससे। देख रो रो, तेज रो, थोड़ी आवाज निकाल। रो रो बिरयानी बनाई है मैंने, समझी? मेरे को भी आती है बिरयानी बनाई है मैंने तो। हाँ मुच्छी बाहर की बिरयानी, बाहर से मंगवाएंगे बिरयानी हम। मैंने बनाई है बिरयानी भाई साहब, हल्के में ले दिए क्या? आज पुलिस लगा हुआ था। मैं चिकन बनाया बस। लगा होगा काम में, पर खाना नहीं बनाया होगा। नहीं बनाया। बिरयानी बनाई है मैंने, पक्का दिव्या को परेशान करा होगा खूब। आती है मेरे को दीदी, समझ जाओ। नहीं घर में बनी है ये तो मुझे पक्का पता है, या ये बनवा के लाया? मैंने बनाई है दीदी। पागल है, द्वारका जाऊंगा बिरयानी बनवाने। मेंटल हो जाएगा। देखना क्या कर रहा है।
पर रॉबिन कहाँ है? नीचे गया वो। रॉबिन नीचे गया है। गाइस रॉबिन डॉगी है। रॉबिन। 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 हाँ। हट ले। ले। देखा नीचे से अब आ गया ना ऊपर, पहले नीचे था ये। देखो गाइस चल रहा है फोटो शूट, तू भी बैठ जाता है, तू ही बड़ी बूढ़ी है। तनु जा, अरे फटाफट फटाफट। सब सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। ये देखो हाय नोना, कैसन बो बबुआ, ठीक बो, ठीक बो बबुआ। गाड़ी नंबर देखो क्या है, ये देखो चुगलियों में लगी पड़ी है। कहाँ जा रहे हो? उधर है, कहाँ जाना है? पैदल जाओगे? यहाँ पर कैब आ गई है, अब अलविदा करने का टाइम आ गया है। कभी अलविदा ना कहना। हे गाइस, तो हम लोग आ गए घर, मतलब गुन्नू के घर आ गए। मैं गुन्नू को छोड़ने आया था क्योंकि कैब में इतनी जगह नहीं थी। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया, आज का दिन हमारा बहुत मस्त रहा, बहुत 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 मस्त रहा। तो गाइस गुन्नू भी आ गए कपड़े चेंज करके। कहाँ गई ये रही चांद में से क्यों आ रही है? तो गाइस चलो इस वाले ब्लॉग का करते यहीं एंड, अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो उस वाले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये फैमिली का गेट टुगेदर कैसा लगा ये भी कमेंट कर बताना गाइस। सुन लिया।